यहाँ कचरों का अंबार है और यहाँ पावर स्टार पवन सिंह का घर बन रहा है, फार्म हाउस बन रहा है, घर कहीं मत इसे फार्म हाउस। कई सारे सुपरस्टार जब है तो बाहर के लोग भी आएंगे और यहाँ के लोग आरा के लोग हैं, लोकल लोग हैं। ऐसे कचरा गिरल रही, कितना गंदगी बा आरा में ही बताओ। ये तो बीमारी के घर है नु, हाँ बीमार हो जाए पावर स्टार होवे करिए एकदम, बिल्कुल बिल्कुल हो यहाँ पूरा शहर के गंदगी है जाके गिरता तो का कर लिए कर। जे बाबर पावर स्टार के घर बन रहा है तो पावर स्टार कुछ करी हन, अब उनकरे दिखावे के नु बा का जी है पावर स्टार के बन रहा बा तो उम्मीद बा कि ऐसा हट जाए, एकदम हट जाएगा उम्मीद भी है ना। हां लेकिन उम्मीद तो है कि जब पावर स्टार यहाँ आ गए तो उनके सामने कचरा थोड़े को गिरने देंगे। कहाँ घर है आपका? सोभी डुमरा यहीं पर बगल में है ना। हाँ बगल में है। ये बताइए कि हाथ ना कचरा गिरा दिया है सब, बताइए है पूरा बुझा रहा है कि आरा का पूरा कचरा ऐसे डंप कर दिया है और कचरों के ढेर के अंबार के सामने पावर स्टार पवन सिंह का घर है, कितना दुख लगेगा बताइए। खराब तो बात है ये है, खराब तो बात है लेकिन यहाँ का सरकार जो है वो वही नु गिरवा रहे हैं कि भाई इधर रोड पर किनारे गिराते जाओ, रोड के किनारे कभी गिराया जाता है आ गांव के अगल बगल सब पुल खुल गया भैया आरा नगर निगम का। हाँ। पावर स्टार पवन सिंह के घर के बहाने माने फार्म हाउस के बहाने पोल खुल रहा है निगम का भी, दिखाइए भैया कि किस तरीके से लपालोप जो है यहाँ पे कचड़ों का अंबार जो है पावर स्टार पवन सिंह के घर का। ये बताइए पावर स्टार का घर बन रहा है यहाँ कचड़ों का अंबार, ये तो बहुत बेकार है, ये तो बहुत, ये तो नगर निगम पे इस पे को ध्यान देना चाहिए। कितने बाहर के लोग आएंगे तो कहेंगे कि बिहार में गंदगी है तो देख के कहेंगे कि बताइए पावर स्टार के घर के सामने गंदगी है तो बिहार का कैसे? नहीं इधर से आने जाना भी मुश्किल हो रखा है, इतने बदबू है कि मतलब लोग कैसे आ रहे जा रहे हैं, लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल क्या विरोध होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और गंदगी में पावर स्टार रहेंगे पवन सिंह अच्छा लगेगा? इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं कि किस कारण घर बन रहा है, फार्म हाउस बन रहा है, विजिट करने आए तो ये अच्छा नहीं है। देखिए ये बाउंड्री हो गया, इन्वेस्टमेंट के लिए बाउंड्री थोड़े ना होगा, यहाँ फार्म हाउस बनेगा क्या हो भैया? ये कितना गंदगी है यहाँ पे और आप बताइए। बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे, यहाँ हम लोग नहीं रह पा रहे हैं, इतना गंदगी महक ज़्यादा गंदगी है और देख ही रहे हैं कि क्या बन रहा है यहाँ पे इतना बड़ा। ठीक है भाई कितना दुखद बा है, कितना खराब लगा था बहुत है, वहाँ पे जाइए ना 10 मिनट खड़ा रहिए, 10 मिनट सूंघने के लिए आसन है एकदम, बहुत खराब लगा था भैया। पावर स्टार के घर बन रहा बा जे कचरा काम बा, आरा का हवेली बन था फिर भी कचरा हो गई बा, बहुत गंदा काम, हवेली कचरा पे बन रहा बा एकदम, देखते बा कचरे में गलत काम बानो। पावर एजी से शुरू होला, पावर गंदगी से कचरा से पावर एजी से शुरू होई जे खत्म होई, ई पावर स्टार के का गलती बा, ई तारा नगर निगम के गलती, पावर एजी से शुरू होई जे खत्म होई। अच्छा ई बताइए कि अब ऐसा से जो है पावर स्टार पवन सिंह का घर बन रहा है जे कचरे का अंबार है का जी? पावन स्टार का घर बन रहा है तो यहाँ का नगर निगम का ना चाहिए, यही तो हम भी बोल रहे हैं कि आरा नगर निगम का स्थिति देखिए कि पावर स्टार का पवन सिंह का घर बन रहा है उसी के सामने हाथाना कचरा काम बार है, तो यहाँ का नगर निगम को भी ध्यान देना चाहिए जी। वो तो उनको ना ध्यान देना चाहिए। अच्छा आप लोग यहाँ पे टिक पा रहे हैं, महक रहा है कि नहीं? बहुत बास दे रहा है यहाँ तो, उल्टी आ जाएगा, बहुत बास दे रहा है यहाँ, उल्टी आ जाएगा तो पावर स्टार पवन सिंह कैसे रहेंगे अपने हवेली में जब उल्टी आप लोग को आ जा रहा है? तो इसके लिए तो मान लीजिए कि नगर निगम है उनको ध्यान देना चाहिए, उपमेयर हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। मेयर को नहीं देना चाहिए? मेयर को तो एकदम स्पष्ट, उनको तो पूरा देना चाहिए। आगे क्या होता है, आगे क्या होता है जब यहाँ पे उनका विजिटिंग होने लगेगा उसके बाद क्या होता है? विजिटिंग तो होने लगा, बाउंड्री उंड्री भी हो गया, आप लोग यहीं पे रहते हैं? हम यहीं पे रहते हैं जी। अच्छा आप लोग का भी घर यहीं पे है क्या? हाँ पीछे ये 4 लाइन उधर आप लोग रहते हैं जी? उधर हम लोग दम नहीं होने देते हैं, रोकते हैं जा, हमको उम्मीद है कि इधर भी नहीं होगा, अभी हो रहा है जब आना जाना शुरू हो जाएगा, आते ही तो यहाँ रहते नहीं है। रोड के किनारे तो डंपिंग होना ही नहीं चाहिए, ये कौन सा रूल बुक कहता है भैया कि रोड के किनारे आप डंप कीजिए? आए? बगल से आवाज आ ही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और बगल में कचरा का अंबार फैला दीजिए, हाँ ये सही है क्या? आरा नगर निगम के लोग पैसा बचा रहे हैं क्या? हाँ इतना फंड आता है 100 करोड़ 200 करोड़ का, कितना जांच बैठा क्या हुआ? हाँ ये कचरा है, ये कचरा नूमी आरा नगर निगम को बना दिए हैं आप लोग, बताइए ये कितना गंदगी का बात है क्या चाचा? कितना गंदगी बा बताइए तो बताइए, ठीक लगता है गंदगी? गंदगी का हमारा बस लाठी से पीटे लगाओ, हाँ छोड़ हम ना लाठी से लोगों पीटे लगा, अभी लोग कहे गिरा उठा है जा कहना ये कहता। आई पावर स्टार पवन सिंह के घर बन रहा बा सामने जी, फार्म हाउस हवेली बंगला मोट गिरा उठा, मोट गिरा उठा, मोट गिरा उठा, आई पवन सिंह सही रही हां कचरा में मोट ना गिरा उठा, रोक एकदम रोका, जितना कचरा बगल बगल सब जा गिरा लोग होने का हो रहा क्या जी? है कचरा पूरा गिर रहा है
यहीं पे पावर। अब क्या कीजिएगा, बहुत दुर्भाग्य का बात है कि आरा नगर निगम ऐसा काम कर रहा है कि यहीं पे डंप कर दे रहा है। बहुत गलत बात है कि थोड़ा सा इसका व्यवस्था करना चाहिए, नगर निगम को ये बात समझना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए कहीं है तो डंपिंग ऐसा जगह कीजिए, डंपिंग यार्ड बनाया जाए उसका शहर से दूर होना चाहिए और एकांत होना चाहिए, और भी बहुत सारी फैसिलिटी होना चाहिए। जैसे फंड आ रहा है, क्या कहता नहीं चाचा, चोटा है सब, चोरी से फुर्सत मिलेगा तब ना, जितना अफसर है सब चोर है, नगर निगम सब मिला हुआ है, चोरी चोरी से अपन जहाँ मन में है तो फेंकवाता है। तो पोल खुल जाएगा, बड़े बड़े लोग आएंगे पावर स्टार पवन सिंह के हवेली पे, कहेंगे कि हाई कचड़े में रहते हैं क्या जी आप, डंपर बनवाओ बनवाए और सुधरेगा कि नहीं, उम्मीद लग रहा है कि नहीं जी, पावर स्टार पवन सिंह का घर बन रहा है तो सुधरेगा कि नहीं लग रहा है। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह का हवेली बनेगा, कितना दुख की बात है बताइए। तो पवन सिंह को भी थोड़ा देखना चाहिए, हाँ पवन सिंह को भी अपने स्तर से सोच समझ के इसको सही करवाना चाहिए, उन्हीं के चलते बताइए आरा जिला इतना फेमस हुआ है, तो कुछ सफाई के क्षेत्र में भी मतलब अच्छा काम करना चाहिए, करवाना चाहिए गवर्नमेंट से। मान लीजिए कि राजनीति में भी कदम रख ही चुके हैं, आगामी चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि सांसद ही से भी लड़ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत उनको भी आरा से जो कचरा को होगा हटाना होगा। ये कचड़ों को हटाने के लिए पावर स्टार पवन सिंह को इनिशिएटिव लेना होगा, और हमें कहीं से भी हमने ये मैंने पावर स्टार पवन सिंह को गिराने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह की ये गलती भी नहीं है, ये आरा नगर निगम के लोगों की गलती है, और हमने सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। जब पावर स्टार पवन सिंह का नाम जुड़ जाएगा इस खबर से तो क्या पता वो लोग सुधर जाएँ और जो है सुधारें। और सवाल ये है क्या बताए, नगर निगम में क्षेत्र नहीं आता, लोग बताएं ग्राम पंचायत में आता है, नगर निगम सिंघहिये तक है। हाँ जी सिंघहिये तक ग्राम है, निगम वाला कचड़ा हुआ ग्राम पंचायत में कैसे घुसा दे रहा है, अब तो उनसे ना पूछिएगा। वो मैं झोले जाल होता का पूरा आरा में झोले जाल होबे करेला। बस ऐसे पावर स्टार पवन सिंह घर बनाओ तो देखिए कितना प्यार करते हैं वो आरा से, कि वो मुंबई में कर्म क्षेत्र है कार्य क्षेत्र है लेकिन आरा को नहीं भूले हैं, और आरा में आके वो घर बना रहे हैं और हवेली बना रहे हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि हमसे सीखो, हम भी स्ट्रगल लाइफ से करके आरा का लड़का जो है पूरे देश विदेश में गाना बज रहा है, डंका बज रहा है, वो अपने घर में बना रहा है, लेकिन उसका स्वागत घर में इस तरीके से हो रहा है, उस पावर स्टार का स्वागत आरा में इस तरीके से होगा तो क्या होगा, सवाल यह है। वीडियो में इतना ही, आप शेयर कीजिएगा, खबर में इतना ही। जय हिंद जय भारत, आप देख रहे थे ऐसा एक भारत।